नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जाने लोकसभा चुनाव के मतगणना के अब तक के रुझान। के पाठक के छुट्टी पर जाते ही शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। मतगणना को लेकर बिहार में पुलिस प्रशासन अलर्ट। मतदान केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू। नीतीश के बेटे निशांत की राजनीति में होगी एंट्री। जेडीयू महासचिव बोले पार्टी की मांग। T20 वर्ल्ड कप का छठा मुकाबला इंग्लैंड वर्सेज स्कॉटलैंड आज। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। देश भर में लोकसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से ही जारी है और बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर भी मतगणना के रुझान अभी तक आ रहे हैं। शाम 4:30 बजे तक के आए रुझान के अनुसार गया से NDA प्रत्याशी जीतन राम मांझी की जीत हो चुकी है। वहीं जनता दल यूनाइटेड कुल 13 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, जबकि BJP 12 लोकसभा सीटों पर आगे चल रही है। तो साथ ही NDA के घटक दल RLJP जो 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, वो शाम 4:30 बजे के रुझानों के अनुसार 5 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के घटक दल RJD 4 लोकसभा सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 3 ऐसे लोकसभा सीट हैं जिस पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। वहीं अगर बात करें CPI की तो CPI 2 लोकसभा सीटों पर आगे चल रही है। सट्टेबाजी पर पुलिस की कड़ी निगरानी। लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर आज के दिन बिहार में पुलिस की सट्टेबाजी पर खास नजर है। इंडिया गठबंधन या NDA की सरकार को लेकर सट्टा लगाने वालों पर पुलिस की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सट्टेबाजी करने वाले और दाव लगाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट किया गया है। सट्टेबाजी में संलग्न रहने वाले व्यक्तियों की सूचना स्थानीय स्तर पर थानों के माध्यम से जुटाई जा रही है। साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर भी पुलिस प्रशासन की कड़ी नजर बनी हुई है। के पाठक के छुट्टी पर जाते ही शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के 3 जून से 30 जून तक के लिए उपार्जित अवकाश पर जाने के बाद बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव S. सिद्धार्थ को सौंपा है। तो वहीं अब खबरें हैं कि भीषण गर्मी व लू से बच्चों को बचाने के लिए 10 जून से सभी सरकारी विद्यालयों का समय बदला जाएगा, जबकि राज्य भर में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों की चल रही मॉनिटरिंग प्रक्रिया नहीं बदलेगी और साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली बैठकें भी अपनी तय शेड्यूल से चलती रहेंगी। जबकि स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव के लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिला के जिलाधिकारियों से सुझाव मांगे हैं। मतगणना को लेकर बिहार में पुलिस प्रशासन अलर्ट। मतदान केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू। लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर आज 4 जून को बिहार के सभी जिलों में पुलिस प्रशासन को अलर्ट रखा गया है। खासकर मतगणना के बाद चुनावी हिंसा भड़कने की आशंका को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही इंटरनेट मीडिया पर भी पुलिस प्रशासन की नजर रहेगी ताकि असामाजिक तत्व अफवाहों का सहारा न ले सके। इसके साथ ही मतगणना केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है। मतगणना के लिए बनाए गए 40 केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा इंतजाम किया गया है। यहां केंद्रीय सुरक्षा बलों बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और जिला पुलिस बल को लगाया गया है। मतगणना के बाद अगले 24 से 72 घंटों तक एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। चुनावी नतीजों को लेकर बढ़ी मिठाई दुकानदारों की बम्पर बुकिंग। 5000 किलोग्राम से अधिक लड्डू तैयार। आज 4 जून को लोकसभा चुनाव का मतदान जारी है और हर किसी को अब चुनावी नतीजे के फाइनल रिजल्ट का इंतजार है। वहीं इसे लेकर राजधानी पटना के छोटे बड़े दुकानों में अब तक 3000 किलो से अधिक मोतीचूर लड्डू का ऑर्डर दिया जा चुका है, जिसे लेकर कारीगर भी दिन रात लड्डू बनाने में लगे हुए हैं। आम दिनों में 1 से 1.5 हजार किलोग्राम लड्डू की बिक्री होती है, जिसे मिलाकर चुनावी परिणाम के बाद लगभग 5000 किलो लड्डू बांटना तय है। नीतीश के बेटे निशांत की राजनीति में होगी एंट्री। जेडीयू महासचिव बोले पार्टी की मांग। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर एक बार फिर से चर्चा बढ़ गई है। जदयू के महासचिव परमहंस कुमार ने निशांत के सक्रिय राजनीति में आने की मांग की है। जनता दल यूनाइटेड के महासचिव ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को दल और राज्य की भलाई के लिए सक्रिय राजनीति में उतरना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि निशांत बेहद शांत और दूरदर्शिता वाले शख्स हैं और कार्यकर्ताओं की यह मांग है कि पार्टी और राज्य के हित के लिए निशांत आगे आए। हालांकि आपको बता दें कि निशांत ने अभी तक खुद को पॉलिटिक्स से दूर रखा है।
कम खर्च और अधिक बचत के लिए किसान अपनाए ये तरीका, सिंचाई भी लगेगी कम। मौसम की अनिश्चितता हमेशा किसानों के लिए एक चिंता का विषय रहता है, क्योंकि कई बार इससे फसल के खराब होने की संभावना बनी रहती है। इन जोखिम को कम करने के लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों को संरक्षित खेती करने की सलाह दी जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला उद्यान सहायक निदेशक निरंजन कुमार ने बताया है कि प्लास्टिक मल्चिंग का उपयोग कर खेती करना किसानों को लाभदायक साबित हो सकता है। इससे जमीन में होने वाली खरपतवार से निजात मिलता है और इस तकनीक का उपयोग सब्जी की खेती के लिए किया जाता है। इस विधि में किसानों को खर्च भी कम पड़ता है और सिंचाई भी कम लगती है। इस विधि से खेती करने के लिए किसानों को पहले खेतों में मेद बनाना पड़ता है, उसके बाद ड्रिप सिंचाई के लिए पाइप बढ़ा दी जाती है और फिर प्लास्टिक मल्चिंग बेड पर लगाकर किसी एक गोलाकार डिब्बे में होल करके बीज की रोपाई की जाती है। फाइनल नतीजों के बाद ही कोई टिप्पणी करेंगे रविशंकर प्रसाद। देश भर में मतगणना लगातार जारी है, तो वहीं रुझान के अनुसार एनडीए गठबंधन एक बार फिर से सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं इस बीच शुरुआती रुझानों में सुबह से ही पटना साहिब के सांसद और बीजेपी प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आगे चल रहे हैं, जिस पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने शुरुआत में ही कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कीजिए और परिणाम आने के बाद ही वो कोई विशेष टिप्पणी करेंगे। वहीं विपक्ष की ओर से जारी लेटर पर कहा कि ये उनकी हताशा है। मगध विश्वविद्यालय में बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तिथि बढ़ी आगे। 6 जून से शुरू होने वाली बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तिथि बढ़ा दी गई है। मगध विश्वविद्यालय अंतर्गत आयोजित इस परीक्षा का आयोजन अब 25 जून से होगा। मगध विश्वविद्यालय परीक्षा शाखा के द्वारा सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दिया गया। परीक्षा शाखा द्वारा कहा गया है कि किसी कारणवश परीक्षा की तिथि को विस्तारित किया जा रहा है। बता दें कि अब 25 जून से निर्धारित समय पर परीक्षा आयोजित होगी। आरजेडी कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल मुस्तैद, मतगणना के लिए पुलिस अलर्ट। पूरे देश में आज लोकसभा चुनाव की मतगणना चल रही है और सुबह 8 बजे से ही लगातार मतगणनाओं का रुझान भी सामने आ रहा है। तो वहीं इसके मद्देनजर पूरे देश में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद हिंसा न भड़के और शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मतगणना के रुझान आते ही राजधानी पटना में सभी पार्टी कार्यालयों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। वहीं पटना के वीर चांद पटेल पथ पर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू और राजद के कार्यालय होने की वजह से वीर चांद पटेल पथ पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार राजद कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को मुस्तैद किया गया है। वाईफाई लगाने वाले स्मार्ट सिटी कंपनी ने किया मानकों का उल्लंघन। बिहार के भागलपुर शहर में भागलपुर स्मार्ट सिटी कंपनी के 4 जगहों पर वाईफाई की सेवा शुरू की गई थी, जिसके इंस्टॉलेशन में वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इसके जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट सिटी कंपनी ने वाईफाई की सेवा पर 16,66,750 रुपये खर्च किए थे। वाईफाई के इंटरनेट कनेक्शन का इंस्टॉल एक वर्ष इन्फिनिट वाईफाई के इंटरनेट कनेक्शन का इंस्टॉलेशन एक वर्ष के इन्फिनिट टेक्नोलॉजी से किया गया था। 4 जगहों पर वाईफाई लगाने की अनुमति के साथ साथ इसका भुगतान एक साथ जोड़कर एक ही चेक से कर दिया गया, जिसे जांच कमेटी द्वारा वित्तीय मानकों का उल्लंघन बताया गया है। मामले में अभी तक कार्यवाही हुई है या नहीं इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, मगर शहर में फिलहाल वाईफाई सेवा ठप पड़ी है और इसका न तो नेटवर्क शो होता है और न ही कनेक्टिविटी मिलती है। लालू अपनी बेटियों के लिए लड़ रहे चुनाव। राम कृपाल यादव ने लालू यादव पर लगाया बड़ा आरोप। लोकसभा चुनाव की मतगणना लगातार जारी है और सुबह 8 बजे से ही रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। वहीं आज शाम को चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। इसी बीच अब पाटलिपुत्र से बीजेपी प्रत्याशी राम कृपाल यादव ने ईटीवी भारत से बातचीत में लालू प्रसाद यादव पर बड़ा आरोप लगाया। राम कृपाल यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य चुनाव नहीं लड़ रही हैं, बल्कि लालू प्रसाद यादव उनके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में 40 सीट है, मगर लालू यादव बीमार होने के बावजूद अपनी बेटियों के लिए चुनाव प्रचार करने निकले, जबकि और कोई भी सीट उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। इसकी वजह से प्रत्याशियों में उनके लिए नाराजगी है।
नवादा पुलिस द्वारा दो साइबर ठग गिरफ्तार, देश के विभिन्न प्रांतों में देते थे ठगी की वारदात को अंजाम। नवादा साइबर थाना पुलिस द्वारा दो साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों साइबर ठग रिलायंस फाइनेंस कंपनी के नाम पर लोन दिलाने के प्रलोभन देकर देश के विभिन्न प्रांतों के लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। गुप्त सूचना के आधार पर वारसलीगंज थाना क्षेत्र के धनकौल गांव के निवासी गोलू कुमार उर्फ शशि शेखर और कौवाकोल थाना क्षेत्र के बलुआ गांव के चंदन कुमार को साइबर पुलिस द्वारा नगर थाना क्षेत्र के मंगर बीघा के पास से गिरफ्तार किया गया है। T20 वर्ल्ड कप का छठा मुकाबला इंग्लैंड वर्सेज स्कॉटलैंड आज। T20 वर्ल्ड कप 2024 का छठा मुकाबला आज मंगलवार 4 जून को बारबाडोस में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच बारबाडोस में होने वाला यह मैच किंगस्टन ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार यह मैच रात के 8 बजे खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 मैचों की T20 सीरीज खेली थी, जिसमें इंग्लैंड ने 2-0 से सीरीज जीती। वहीं स्कॉटलैंड ने भी UAE के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज की थी। अब दोनों ही टीमें अपनी अपनी जीत की लय को बरकरार रखने के इरादे से मैदान में उतरेगी। जाने आज बिहार में क्या है पेट्रोल और डीजल के दाम। बिहार में आज यानी 4 जून मंगलवार को पेट्रोल के दाम में 18 पैसे और डीजल की कीमत में 17 पैसे की बढ़त देखने को मिली है, जिसके अनुसार आज बिहार में पेट्रोल का दाम 107.30 रुपए और डीजल की का रेट 94.01 रुपए है। वही राजधानी पटना की बात करें तो आज पटना में पेट्रोल की कीमत 105.42 रुपए और डीजल की कीमत 92.27 रुपए है। गया में पेट्रोल की कीमत 106.24 रुपए और डीजल का रेट 93.04 रुपए है। दरभंगा में पेट्रोल का दाम 105.38 रुपए और डीजल की कीमत 92.21 रुपए। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल का रेट 106.13 और डीजल का रेट 92.92 रुपए। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 106.61 रुपए और डीजल की कीमत 93.36 रुपए है। किशनगंज में पेट्रोल का दाम 107.68 रुपए है तो वहीं डीजल का दाम 94.36 रुपए। मधुबनी में पेट्रोल की कीमत 106.20 रुपए है तो डीजल की कीमत 92.98 रुपए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर महतो, मिस्टर राहुल पटेल, राकेश मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, हरेंद्र कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, गोनर शर्मा, नागेंद्र चौहान, मंजीत कुमार, राम बाबू दास, अनवर करीम खान, कमलेश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, लोकसभा चुनाव के रुझानों में BJP की सीट घटती हुई दिख रही है, आपके अनुसार इसकी क्या वजह है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।